उधर यूपी के प्रयागराज में जुम्मे की नमाज के बाद भड़की हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्त में आ चुका है। अब तक जांच में ये बात सामने आई है कि सोशल मीडिया के जरिए इस आरोपी ने लोगों को भड़काया और सड़क पर उतरकर पत्थरबाजी के लिए उकसाया। जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज में हिंसा भड़की, पत्थरबाजी हुई, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। पुलिस को निशाना बनाया है। अब तक इस हिंसा की जांच में जो खुलासे हो रहे हैं वो पूरे उपद्रव के पीछे बड़े प्लान का इशारा कर रहे हैं। अब तक हुई गिरफ्तारियों से शहर का अमन बिगाड़ने वाले साजिश के सबूत मिल रहे हैं। अब तक की तफ्तीश में पुलिस उस मास्टरमाइंड तक भी पहुंच चुकी है जिसके शह पर शहर में हिंसा का पूरा खाका तैयार किया गया है। और जो जो व्यक्ति थे वीडियो फुटेज के माध्यम से हम लोगों ने चिन्हित किया, और जो पीछे से भी इसको अंजाम दे रहे थे उनको भी हम लोगों ने चिन्हित किया, उनकी गिरफ्तारी भी की गई है और निरंतर दबिश भी दी जा रही। वीडियो फुटेज के माध्यम से वो भी देखा जा रहा कि कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल थे। बताया जा रहा है कि प्रयागराज में हुई हिंसा के पीछे मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप का खुराफाती दिमाग है। जिलाधिकारी फिलहाल 68 लोगों को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं, लोगों को लेकर के ज्यादा बात नहीं कर रहे कि किन किन को इसमें जो गिरफ्तारी उसमें कौन कौन लोग शामिल है। लेकिन ये बात साफ है कि जिस तरीके से इलाहाबाद की घटना है उसके बाद प्रशासन हरकत में आया है और पूरे इलाके में अटाला में पुलिस बल मौजूद है और लगातार दबिश दी जा रही है आरोपियों की और जिन्होंने वहां जिस तरीके की घटना की उनकी शिनाख्त करने के लिए, और लगातार इसमें कार्रवाई शुरू। जावेद पंप ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को प्रदर्शन के लिए उकसाया। नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में शहर में उपद्रव का पूरा प्लान बनाया। जो मेन मुख्य नाम है वो मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप का है। ये पंप का व्यवसाय करता है, साथ ही साथ ये मीटिंग्स में चिकनी चुपड़ी बातें करता है, लेकिन अंदर खाने से ये साजिश रचने का काम करता है। अभी तक ये चीज निकल के आई है। पुलिस ने जावेद पंप के मोबाइल से सबूत इकट्ठा किए हैं। मोबाइल में पुलिस को भड़काऊ बयान की कई क्लिप मिली हैं, जिसमें साफ साफ 10 जून को प्रयागराज बंद करने की बात कही गई है। मोबाइल फोन में, उसके व्हाट्सएप में ये सब चीजें निकल के आई हैं कि 10 जून भारत बंद इत्यादि को ये प्रोपेगेट कर रहा था, उकसा रहा था, भड़काऊ बयान भी सोशल मीडिया पर दे रहा था। इस तरह की चीजें निकल के आई हैं। जांच के दौरान जो जानकारी सामने आई है उससे प्रयागराज में हुई हिंसा के तार जेएनयू से भी जुड़ते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि जावेद पंप की बेटी जेएनयू में पढ़ाई करती है और विरोध प्रदर्शन जैसे तमाम मुद्दों पर वो भी अपने पिता को राय मशवरा देती है। ये जानकारी सामने आने के बाद जावेद पंप की बेटी भी पुलिस के राडार पर आ गई है। इसकी एक बेटी है जो जेएनयू में पढ़ती है। शुरुआती पूछताछ में ये बात आई है कि संभवतः वो भी इंटेलेक्चुअल इसको राय देती है, इसको साजिश में भी हिस्सा होती है। इस पे एक टीम काम कर रही है, अगर उसका भी दोष होगा तो उसको भी हिरासत में लिया जाएगा। एक और पुलिस सीसीटीवी फुटेज और तमाम वीडियो के जरिए आरोपियों की तलाश कर रही है। प्रयागराज में हिंसा फैलाने वाले आरोपियों की धरपकड़ कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर पत्थर चलाने वाले पर कड़ी कार्रवाई की भी तैयारी हो रही है। प्रशासन को साफ निर्देश है कि हिंसा फैलाने वालों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जाए, शहर का माहौल बिगाड़ने वालों की अवैध संपत्ति को ढहाया जाए। जो भी आरोपी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और यही नहीं अवैध संपत्ति, और जिस तरीके से ये बात भी कही गई है जो भी इसमें अवैध तौर पर निर्माण है उसको भी निशाने पर रखा जाएगा। साफ है कि सरकार हरकत में आई है और अटाला के इस पूरे मामले के बाद में अब धरपकड़ तेज है और अभी तक 68 अभियुक्तों को गिरफ्त में लिया जा चुका है। प्रयागराज के अटाला इलाके में बुलडोजर पहले ही पहुंच चुका है। लेखपाल आरोपियों के नामों की सूची लेकर उनके मकानों की पैमाइश कर रहे हैं। लेखपाल उन 17 आरोपियों की संपत्ति का ब्यौरा जुटाने में लगे हैं जो हिंसा और साजिश में सीधे सीधे शामिल थे। रेवेन्यू विभाग इनके लिस्ट तैयार कर रहा है, जल्दी ही इनकी संपत्ति सीज की जा सकती है।
दंगा उदापात हुआ वो लिस्ट हमको पुलिस विभाग से ये सूचना प्राप्त हुई है। अब इन मकानों को हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये कौन है, कहां पर इनका मकान स्थित है, लैंड क्या, नेचर क्या है, उसको हम देखेंगे। यदि सरकारी जमीन है तो उसकी हम सूची बना के शासन को उपलब्ध कराएंगे, प्रशासन में उच्च अधिकारी उसमें अपना निर्णय लेंगे। प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद बवाल जो पढ़ा तो पढ़ता ही चला गया। अब पुलिस हिंसा वाली साजिश के तार खंगाल रही है और हिंसा भड़काने वालों की पूरी कुंडली खंगाल रही है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।